हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूट चैनल। दोस्तों, आज मैं मांसपेशियों की स्थिति यानी हमारे शरीर में कौन सी मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है, वो सभी इम्पोर्टेंट मसल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो कोई भी 639 मांसपेशी को याद नहीं रख सकता, तो मैं उसी इंपॉर्टेंट मांसपेशियों के बारे में, उसके स्थिति के बारे में कि वो कहाँ पे पाई जाती है बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही उपयोगी वीडियो है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि PhD किसी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। तो पहला है, हम बात करेंगे पेक्टोरेलिस मेजर। जैसा कि आप जानते होंगे कि पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी कहाँ पे स्थित होती है, तो हमारे सीने के पास छाती में स्थित होती है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। और बाइसेप्स मसल क्या होती है, कहाँ पे होती है? बाइसेप्स मसल, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे हाथ के ऊपरी बाहू में, बाजू में पाया जाता है, यानी ऊपरी अंग के हाथ के पास, ठीक है, जो हमारे स्केपुला से जुड़ी रहती है और कोहनी पे समाप्त होती है। तो बाजू के ऊपरी हिस्से में बाइसेप्स पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्राइसेप्स। बाइसेप्स के नीचे ट्राइसेप्स मसल्स पाया जाता है, यानी बाइसेप्स के पीछे, ठीक है, ऊपर के हिस्से में, हमारे बाजू के, हाथ के बाजू में ऊपरी हिस्से में बाइसेप्स पाया जाता है, और फिर उसके पीछे, बाइसेप्स के पीछे ट्राइसेप्स। नेक्स्ट है डेल्टायड। डेल्टायड मसल्स कहाँ पे स्थित होती है हमारे शरीर में? कंधे पर, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ठीक है। और इसे स्विमर मसल्स और लिफ्टर मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम मसल्स कहाँ पाया जाता है? जैसा कि आपको विदित होगा, ये हृदय में पाया जाता है, ये हमारे हृदय की तीन परत बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पीठ के ऊपरी हिस्सों में गर्दन के पास पाई जाती है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, कहाँ पे पाई गई। नेक्स्ट है लैटिमस डोर्सी। लैटिमस डोर्सी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कमर के पास, कमर के थोड़ा ऊपर, यानी पीठ पर ट्रेपेजियस, जो हमारी गर्दन की मांसपेशी है, उसके थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है, ट्रेपेजियस के नीचे, ठीक है। ये लैटिमस डोर्सी, जो बॉक्सर मसल्स भी बोलते हैं, इसको रोइंग मसल भी बोलते हैं, एंड राइट क्लिम्बर मसल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जैसा कि आप सब जानते होंगे, एक कमर के नीचे कुल्हे के पास की मांसपेशी है, ठीक है। और नेक्स्ट है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर जो है हमारे पसलियों के 1 से 9 पसली के साइड में पाई जाती है, यानी ये स्टर्नम है, स्टर्नम के बगल में, ये पेक्टोरलिस स्केपुला के पीछे, ठीक है, एंड पेक्टोरलिस के नीचे, यानी कहने का मतलब कि पेक्टोरलिस मेजर और लैटिमस डोर्सी के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। इसका उद्गम ये शुरुआत हमारे स्केपुला, जो हमारे कंधे की कंधा है, इसके पुला के मध्य भाग से एक शुरुआत होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सार्टोरियस मसल्स, यानी जिसे टेलर मसल्स भी बोलते हैं, जो जांग यानी हिप से लेकर घुटने तक ये जाता है, ठीक है, इसका विस्तार होता है। ये हमारे घुटनों को संकुचित और उसको मोड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे घुटनों को मोड़ने में कौन सहायक होता है, तो सार्टोरियस मसल्स। नेक्स्ट है स्टेपीडियस। जैसा कि आपको विदित होगा कि स्टेपी हड्डी जो है कान में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, उसी प्रकार स्टेपीडियस मसल्स भी कान के पास पाई जाती है, और हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कान के पास की मांसपेशी स्टेपीडियस है, और सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी जो है सार्टोरियस है, ठीक है। और बड़ी में बात करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस है सबसे बड़ी मांसपेशी हमारे शरीर की, और सबसे लंबी सार्टोरियस है, और सबसे छोटी कान के पास की मांसपेशी स्टेपीडियस है। नेक्स्ट है लेवेटर स्केपुलेरिस।
लेवेटर इसके पुलेरिस जो है पीठ के पास गर्दन के पीछे ए भी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है रोम्बोइड्स, रोम्बोइड्स भी पीठ के पास गर्दन के पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टस एब्डोमिनस, जैसा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेक्टस एब्डोमिनस ये पेट के बीच की सीधी मांसपेशी जो हमारे पेट में दिख रही है, पेट के बीच की सीधी मांसपेशी जो चित्र में दिख रहा है ये यहाँ पे पाई जाती है। सोलियस मसल्स दोस्तों ये बहुत ही मजबूत होती है और क्या कहते हैं हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मांसपेशी होती है सोलियस, सबसे बड़ी सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस होती है और दूसरी सबसे लंबी सोलियस होती है। यह पांव यानी पैर के निचले भाग में पाया जाता है, जैसा कि दिख रहा है चित्र में। नेक्स्ट है बाइसेप्स फीमोरिस, ये जांघ के पीछे की ओर पाया जाता है, बाइसेप्स फीमोरिस कहा पाया जाता है जांघ के पीछे की ओर। नेक्स्ट है हेमस्ट्रिंग, यह है उरु यानी जांघ का पिछला भाग होता है, हमारे जो जांघ होता है ऊपरी भाग नहीं पिछला भाग जांघ का होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनेटर क्वाडिटियस, प्रोनेटर क्वाडिटियस दोस्तों जैसा कि चित्र में दिख रहा है हथेली की तरफ से कलाई के ऊपर की, ठीक है, हथेली की तरफ से कलाई के ऊपर की एक चौकोर आकार की दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी मेम्ब्रेनियस मसल्स, यह पिछले जांघ के पास जो हमारा पिछला जांघ है उसके पास पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टिबियलिस पोस्टीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर जो है टिबिया हड्डी के पीछे स्थित होता है, पोस्टीरियर का मतलब ही होता है पीछे, ठीक है। तो टिबियलिस पोस्टीरियर शाब्दिक अर्थ पता चल रहा है कि टिबिया हड्डी के पीछे स्थित है, ठीक। अब नेक्स्ट है डिजिटोरम लुंगस, डिजिटोरम लुंगस जो है फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है, टिबियलिस पोस्टीरियर टिबिया हड्डी के पीछे स्थित और डिजिटोरम लुंगस फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है। ऐसा रेक्टस फीमोरिस, यह जो है जांघ की हड्डी फीमर पर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाडिसेप्स फीमोरिस, क्वाडिसेप्स फीमोरिस को ये चार मांसपेशियों से मिलकर बना है, चार मिलकर जैसे कि रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लिटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टर इंटरमीडियलिस, इन चारों से मिलकर क्वाडिसेप्स मसल्स क्वाडिसेप्स फीमोरिस बना होता है, ठीक है। और रेक्टस फीमोरिस जो है किक लगाने वाली यानी किक मसल भी बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस को, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी कुछ मांसपेशियां जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दो तीन बार अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मांसपेशियों से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।